Hello everyone and welcome to our channel Holistic Facts. Today we'll analyze the Hindu newspaper dated 26th of July 2019. So let's begin. RTI का जो amendment bill pass हुआ है उसके बारे में ये first news है. तो इस bill में क्या था ये हम already discuss कर चुके हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं. The Right to Information Amendment Bill 2019. Alright? तो फिर इस bill में actually the bill seeks to bring changes in involving salaries and tenures of the information commissioners. Alright, जो information commissioners होते हैं कि salary allowances जो उनका tenure है वो अब center decide करेगा through parliament. Alright, तो फिर इसके ऊपर थोड़ी controversy भी चल रही थी कि ये थोड़ा autonomous हो जाएगा, centralization of power हो रहा है, but the bill is passed, so it doesn't matter now. अब नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के लॉ के बारे में दिया गया है. कर्नाटका के स्पीकर ने डिसक्वालीफाई कर दिया है एमएलए इसको, तो फिर उसके बारे में है. ये न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हम देखते हैं अब डिफेक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन की जो प्रोविजन्स है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी 1985 थ्रू 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, और इसमें 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि डिफेक्शन है. और डिफेक्शन की जो केसेस है वो जाती है स्पीकर के पास, मतलब स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होता है हाउस का, उनके पास अथॉरिटी होती है टू डिसाइड ऑन द केसेस ऑफ डिफेक्शन. ऑलराइट, देन डिफेक्ट कौन करता है या फिर कौन से मेंबर के ऊपर डिफेक्शन हो सकता है वो हम देख लेते हैं. अब इसमें 3-4 केसेस है बेसिकली. अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्ट हो चुका है पार्लियामेंट में, तो फिर वो नॉमिनेटेड मेंबर विद इन 6 मंथ्स अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो इट्स ऑल राइट, बट आफ्टर 6 मंथ्स अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है देन ही विल बी स्टैंड डिफेक्टेड. ठीक है, और इसमें एक केस है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट मेंबर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो ही आल्सो स्टैंड्स डिफेक्टेड. प्लस अगर कोई मेंबर इफ़ ही एब्सटेन्स वोट इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन ऑफ सच पार्टी तो फिर वो डिफेक्शन कहलाया जाता है. तो फिर ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें आ जाती है कि अच्छा ये केस है और इसमें द पर्सन विल बी स्टैंड इफेक्टेड, तो फिर तब हमें ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे NGT नॉट टू यमुना वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो फिर यहाँ पे NGT के बारे में तो हम बहुत बार देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं. अब NGT इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. 2010 का स्टैट्यूटरी एक्ट था NGT एक्ट, तो फिर इससे NGT बना था, तो फिर NGT जो बॉडी है वो भी स्टैट्यूटरी हो जाती है. और NGT जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, और उसकी जो ऑर्डर होती है NGT की, जो केसेस वो डिस्पोज करता है उनमें जो वो ऑर्डर देता है वो बाइंडिंग होती है. पर अगर उसके अपोज में आपको कोई पिटीशन फाइल करनी है या फिर अपील करना है सॉरी, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो. ऑलराइट, और हाँ, NGT एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज, इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं वो डिस्पोज ऑफ करता है. तो फिर इतना ही था. और यमुना रिवर के बारे में बस इतना मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो इतनी ही लिखी है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना का सोर्स है यमुनोत्री, चंपासार ग्लेशियर से आती है वो. पर यमुना की लोकेशन और वो कहाँ से फ्लो करती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा मैप में. और यहाँ पे पॉस्को एक्ट के बारे में न्यूज़ थी. एक्चुअली जो पेंडेंसी है केसेस की उनको कम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक पॉस्को कोर्ट आप सेटअप कर दो, और उस कोर्ट के लिए जो भी फंडिंग होगी या फिर जो भी स्टाफ है वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, वो सारा खर्चा सेंटर उठाएगी, और चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी उस कोर्ट की मांग होगी वो सारा
सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो फिर हम पॉस्को एक्ट देख लेते हैं। पॉस्को एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 का एक्ट है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो पॉस्को एक्ट है ये जनरल न्यूट्रल लॉ है विच प्रोटेक्ट्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंसेस। हरासमेंट हो या फिर अब्यूज़ हो, असल्ट हो, ये सारी चीज़ें पॉस्को के अंडर आती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे अब एक न्यूज़ आई है कि VVPAT जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, जो हम वोट करने जाते हैं वहाँ पे EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई होती है, तो फिर हम वहाँ पे वोट करते हैं, प्लस उसके बाजू में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT रखा हुआ होता है, वहाँ पे एक स्लिप आती है, आपको दिखता है प्रिंटेड कि आपने किस पार्टी को वोट किया है, आपका वोटिंग नंबर जो भी है, और फिर वो उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। अब इस बार के इलेक्शन के बाद जो पिटीशंस फाइल की गई थी कि जो वो पेपर ऑडिट ट्रेल है, वो स्लिप्स और EVM का जो काउंट है रिकॉर्डेड, उनको मैच किया जाए, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 8 केसेस में ऐसे हुआ है कि वो डिफरेंस है उसमें नंबर में, तो फिर अब वो देखा जा रहा है। तो फिर उसके लिए EC एक टीम अपॉइंट करने वाली है। तो फिर ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट VVPAT और EVM हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये वही यमुना नदी के ऊपर जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसी के बारे में न्यूज़ है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा दिल्ली का जो वाटर क्राइसिस है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, इसीलिए इसी के बारे में वो न्यूज़ थी। अब इसमें थोड़ा कंडीशंस है कि अनऑथराइज एक्टिविटीज़ जो है सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो फिर ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होंगी, ये इंश्योर किया जाएगा। और यहाँ पे CVC के बारे में दिया गया है, तो फिर हम बस जान लेते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो क्या है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये मेन एजेंसी है फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेटअप की गई थी 1964 में बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, बट इन लेटर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ये बनाई गई थी, बट 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस इस बॉडी को दिया गया था। ऑलराइट, CVC इज एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन और ये फ्री ऑफ कंट्रोल है फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इट मॉनिटर्स ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, अब इस बॉडी का कंपोजिशन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। दैट्स वाई दिस बॉडी is very very important from the exam point of view. The chairperson is prime minister himself plus 2 vigilance commissioner, those are union minister of home affairs and the leader of opposition in lok sabha. All right, aur inki term jo hoti hai wo 4 years ki hoti hai aur 65 years of age whichever is earlier, to uske hisab se wo term hoti hai aur ye further eligible nahi hote appointment ke liye. To fir CVC body bahut important hai, ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं है, ये रीजनल पेजेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ED के बारे में दिया गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हम बहुत बार देख चुके हैं, तो हम फिर से रिविजन कर लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रिवेंट्स या फिर ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दैट इज़ FEMA, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2018, इनकी केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहले इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसे 1957 में रीनेम कर दिया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें इतना ही जानना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ऑक्यूपाई सेकेंड रैंक इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑल राइट, तो फिर यहाँ पे 16 करोड़ मैन डेज हैव बीन क्रिएटेड अंडर दी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। MGNREGA का जो स्कीम है उसके अंडर राजस्थान इज़ लीडिंग, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया है। मनरेगा में बेसिकली अभी आपको अभी तक पता होना चाहिए कि मनरेगा में 100 वर्किंग डेज जो है
उसमें वर्क प्रोवाइड किया जाता है, अनस्किल्ड लेबर वर्क होता है ये, मैनुअल वर्क, तो फिर वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द लाइवलीहुड ऑफ रूरल पीपल या फिर नीडी पीपल। तो फिर ये बहुत अच्छी स्कीम थी और हो रहा है उसका अच्छे से, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है बट इट्स ऑल राइट। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क का यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आसाम में है, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और वन हॉर्न राइनोज़ के लिए बहुत फेमस है ये पार्क। और यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में बता दिया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, अब वो इनके चेयरपर्सन एनवायरमेंटल मिनिस्टर होता है, और ये ओवररीचिंग सबसे ओवरआर्किंग बॉडी है ये फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। और जो भी टाइगर कंजर्वेशन के लॉज होते हैं, इनके रिव्यू वगैरह करना, ये सब इस बॉडी का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और यहाँ पे ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि टाइगर सेंसस अभी 29th of July को पब्लिश होगा, रिलीज होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमने जितने भी एफर्ट्स लिए हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे तब। और यहाँ पे चांद्रयान मिशन के बारे में, चांद्रयान 2 के बारे में दिया गया है। अब ये जो हर एक स्टेज की इन्फॉर्मेशन या फिर हर एक स्टेज की न्यूज़ अब आती रहेगी, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें ये याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे न्यूज़ ये है कि सक्सेसफुली जो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है, तो फिर अब हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर चांद्रयान 2 के बारे में हम फिर से एक बार देख लेंगे कि ये चांद्रयान 2 क्या है। चांद्रयान 2 इंडिया का सेकेंड लूनर मिशन है विथ 3 मॉड्यूल्स, दैट इज ऑर्बिटर, लैंडर, रिजविक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इसरो इज अटेम्प्टिंग टू सॉफ्ट लैंड, ओके, एंड इट विल बी ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री टू परफॉर्म सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, और ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरि कोटा से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज के एडिटोरियल, सब ये जो एडिटोरियल है, इनवाइट नेशनल टॉक द वॉइस ऑफ द स्क्वाड, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो क्राइसिस नहीं बोल सकते, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये न्यूज़ देखते हैं, दी टेररिस्ट टैग। अब जो बिल पास हुआ, एक्ट जो बना है अभी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट माना जा सकता है, ये जो उसके अंदर प्रोविजन था उसके ऊपर ये आर्टिकल है, कि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता था, बट अब इंडिविजुअल को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिविजुअल के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होता है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता, तो ये जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अगर कोई इंडिविजुअल को टेररिस्ट बोला गया और कोई प्रूफ नहीं है, बट उसकी जो लाइफ है, अगर एक बार टैग लग जाता है, तो फिर पर्सन की रेप्यूटेशन, करियर एंड लाइवलीहुड के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है वैसे। प्लस इंडिविजुअल टू विल हैव टू अप्लाई फॉर दी सेंटर टू गेट देयर नेम्स रिमूव्ड, अगर एक इंडिविजुअल का नाम आ गया है, तो फिर वो नाम रिमूव करने के लिए भी उसे सेंटर के पास जाना। तो फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पर्सन की रेपुटेशन, करियर एंड लाइवलीहुड के ऊपर तो असर होगा ही, प्लस ऑथर के एक और आर्ग्यूमेंट है कि जो प्रोविजन है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड है, उनके हाथ में पावर दी जाएगी, जो प्रॉपर्टी है ऑफ दोज इन्वॉल्व इन टेररिज्म केसेस, वो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास दी गई है, तो फिर यहाँ पर भी हम थोड़ी सी हिंट ऑफ सेंट्रलिज्म जो हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसकी थोड़ी सी हिंट दिख रही है। तो फिर ऑथर यही कह रहा है कि इस प्रोविजन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, हम बढ़ते हैं आगे। अब ये जो न्यूज़ है ट्रम्प्स मीडिएशन क्लेम, तो फिर ये थोड़ा पॉलिटिकल साइड में जाता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है,
कि ट्रम्प ने क्या कहा, फिर हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं उन्हें मीडिएट करने के लिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे सरोगेसी बिल का मेंशन किया गया है, तो फिर सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और वो बिल बस ये कहने की कोशिश कर रहा था जो कमर्शियलाइजेशन है सरोगेसी का, उसे रोकने के लिए ये बिल आया था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी केसेस है कि एक्चुअली प्रॉब्लम होती है जो सरोगेट मदर होती है उन्हें, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकती किसी के पास, तो फिर वो इसीलिए वो रेगुलेशन बिल है जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ सरोगेसी को रोकता है, इस बिल में इतना ही था फिलहाल उस न्यूज़ में। और यहाँ पे मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर्स मोर जेंडर बैलेंस, ये एक अच्छा आर्टिकल है। इसमें दिया गया है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। 2019 के यूपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि एक रिपोर्ट और ये किसने रिलीज़ किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये जेंडर डिस्पैरिटी को या फिर जो गैप है वो दिखाता है, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है रिपोर्ट उसमें ये दिखाया जाता है कि वुमेन और मेन का पार्टिसिपेशन या फिर मेंबर्स कितने हैं, तो वुमेन लेजिस्लेचर्स अकाउंट फॉर बेयरली 24% ऑफ द ऑल एमपीज अक्रॉस दी वर्ल्ड, और उसमें रवांडा जो है ए लैंडलॉक कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, वो टॉप कर रही है इस लिस्ट में विथ 61.3 सीट्स इन द लोअर हाउस एंड 38.5 इन द अपर हाउस ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। ऑल राइट, तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है मेंस में आंसर राइटिंग के समय। और यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है क्यूबा का, लार्जेस्ट करीबियन आइलैंड है वो, वहाँ पर भी पॉपुलेशन उनकी 1.1 मिलियन है और 53.2% सीट्स जो है दोज आर ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। और यहाँ पे इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो फिर इंडिया में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो एक्चुअली 11.8% था, और अब वो इम्प्रूव होके 14.5% अभी हुआ है इन लोअर हाउस। तो फिर ये जो डेटा होता है स्पेसिफिकली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ट्रिपल तलाक के बिल के बारे में है, तो फिर हम देख लेते हैं। ट्रिपल तलाक बिल आता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019, ओके, विच क्रिमिनलाइजेस डिवोर्स बाय इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो 3 बार तलाक कहने के बाद डिवोर्स हो जाएगा, ये जो प्रोविजन थी उसको अब क्रिमिनलाइज कर दिया गया है बाय इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बाय मुस्लिम मेन एंड अट्रैक्ट्स ए जेल टर्म ऑफ 3 ईयर्स फॉर द हस्बैंड। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अब इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और ये जो बिल है अभी इसे राज्यसभा अप्रूव करेगी, अगर करेगी तो फिर ये एक्ट बन जाएगा, तो हम देखेंगे कि आगे अब क्या होगा। बढ़ते हैं आगे, रिपीटेटिव न्यूज़ है ये, वही है ट्रम्प कंट्रोवर्सी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि मोदी जी ने हमसे कहा था जो भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पे ब्लैक सी, या ब्लैक सी की यहाँ पे मैं इमेज एक्चुअली ले नहीं पाई, पर आपको लोकेशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो फिर हम बस इतना जानते हैं कि ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है, तो वो है रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, टर्की, बल्गेरिया एंड जॉर्जिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं है फिलहाल, और आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स, एंड कीप वॉचिंग।